अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो मैं आ चुकी हूँ फूड इन और आपको आज का पूरा रिव्यू देने वाली हूँ फूड इन रेस्टोरेंट का, ये भाद्राबाद में, और फुल एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ज़्यादा मुझे प्यारा लगता है। एक तो बात ये कि यहाँ पे सामने फ्रेश एयर आ रही है और हम यहाँ पे सर्दी को भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ
यहाँ पे सब अपनी मर्जी से जो जो जिसे जो ऑर्डर करना है वो मोबाइल में बैठ के सुकून से ऑर्डर कर रहा है। यहाँ की जो सर्विस थी बहुत गुड थी, तो कि यहाँ के जो वेटर्स थे वो काफी हार्ड वर्कर्स थे, तो इसलिए सर्विस अच्छी हुई। और यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर किया था आपको बता देती हूँ, चिकन मिलाई बोटी ऑर्डर की थी मैंने, साथ ही साथ मैंने क्रीमी कबाब ऑर्डर किए थे, रेशमी कबाब ऑर्डर किए थे, और मैंने यहाँ पे हर वो चीज ऑर्डर की थी जो स्पेशल थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे शेफ स्पेशल पास्ता ऑर्डर किया था, तो कि वो शेफ ने ही स्पेशल बनाया था तो उसका स्पेशल था। और साथ मैंने यहाँ पिज्जा फ्राइज ऑर्डर किए थे, देख सकते हैं, साथ ही साथ मैंने इनकी पनीर हांडी ऑर्डर की थी जो बहुत जबरदस्त थी। अगर पिज्जा फ्राइज की बात की जाए तो ये मैं इसको 8 marks इसलिए दी क्योंकि ये नॉर्मल था, जैसे हर जगह होता है, कोई ओवर खास नहीं था। लेकिन अगर पास्ते की बात करें तो मैंने उसे 10 out of 10 दिए, तो क्योंकि बहुत जबरदस्त था, बहुत ज्यादा। हर रेस्टोरेंट में हर पास्ता अच्छा नहीं होता, लेकिन इनका पास्ता बहुत ज्यादा चीजी पास्ता था और फुल चीज थी, क्रीम थी, तो हर चीज इन्होंने बहुत ज्यादा क्वान्टिटी से डाली हुई थी, तो इसलिए जो पास्ता था ना उससे तो मैंने 10 out of 10 दिए। और बाकी अगर बात करें रेशमी कबाब की तो ये भी बहुत ज़बरदस्त थे, तो इनका भी मैंने 8 marks दिए। लेकिन अगर चिकन मिलाई बोटी की बात की जाए तो इसे मैंने फुल मार्क्स दिए, मैंने अगेन चिकन मिलाई बोटी मंगवाई थी, मुझे इतनी अच्छी लगी थी। और क्रीमी कबाब भी नॉर्मल थे, बेस्ट थे, अच्छे थे, 8 marks दिए मैंने इसको भी। और अगर हम पनीर हांडी की बात करते तो ये बहुत ज़बरदस्त थी, पनीर हांडी ज़रूर मंगवाएं, बहुत अच्छी थी। इनके प्राइसेस की बात की जाए ना तो मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह इनकी क्वांटिटी थी ना फूड की वो बहुत ज्यादा थी, तो उस हिसाब से इनके प्राइस बिल्कुल मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगे। आराम से एक डिश में आप अगर कोई भी मंगवाते हो, फॉर एग्जांपल आपने पास्ता मंगवाया, तो उसे मतलब 2 लोग भी खाएंगे तो उनका पेट अच्छा खासा फुल हो जाए। तो इनकी क्वांटिटी भी अच्छी थी, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी फूड की, उस हिसाब से प्राइस बिल्कुल रिजनेबल थे। वैसे हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो मैंने कुछ रिव्यू सुने थे, उन्होंने कहा था कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जब मैं गई तो मुझे ये सब कुछ परफेक्ट लगा, इनकी सर्विस भी अच्छी थी। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और अगर एम्बियंस की बात करें तो उस हिसाब से भी रेस्टोरेंट थोड़े से प्राइस ज्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने कहा सही मैनेज हो गया। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपको ऑनर्स रेस्टोरेंट के रिव्यूज दे सकूं। और जाते जाते हमेशा की तरह कहूंगी, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।